शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। एक तो हमें लाइन चाहिए जो हरियाणा और यूपी को जोड़ती है, वेस्टर्न यूपी को। इससे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और इसकी मांग लंबे समय से चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और साथ ही क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में पड़ता है तो वहाँ की भी कोई ट्रेन नहीं है और वैष्णो देवी की भी बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पे श्रद्धालु हैं जिन्हें दिक्कत होती है। तो यही हमारी कोशिश है मंत्रालय से कि इन हमारी क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका निस्तारण किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता के सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। हमारा जो ज़िला है वो नया ज़िला है, 10 साल पहले ही बना है, पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। तो हमारे ज़िले में बहुत सी ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं जो होनी चाहिए एक ज़िले के हिसाब से, और ट्रेन फैसिलिटीज़ जो कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आम जनता का जीवन जीने में उन्हें इजी रहता है, तो वो सारी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। खासकर ट्रेनों में अगर देखें तो एक तो हमें लाइन चाहिए जो हरियाणा और यूपी को जोड़ती है, वेस्टर्न यूपी को। इससे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और इसकी मांग लंबे समय से चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और साथ ही क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में पड़ता है तो वहाँ की भी कोई ट्रेन नहीं है और वैष्णो देवी की भी बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं जिन्हें दिक्कत होती है। तो यही हमारी कोशिश है मंत्रालय से कि इन हमारी क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका निस्तारण किया जाए। तो यही क्योंकि क्षेत्र की समस्या थी तो ये उठाना हमारा फर्ज है। तो ये काफ़ी लंबे समय से क्या माता वैष्णो देवी तक ट्रेन जाए इसकी मांग हो रही थी क्षेत्र की? जी बिल्कुल, लंबे समय से। जब पहली हमारी बैठक हुई चुनाव जीतने के बाद तो सभी जो क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं मौजूद थे और सबसे पहले उन्होंने यही डिमांड रखी। तो मेरा फ़र्ज था कि सबसे पहले मैं ये एक ऐसी समस्या है जिसका असर हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों या किसी भी वर्ग से आते हों। तो मुझे लगता है ये बेहद ज़रूरी है सरकार को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही सरकार का कर्तव्य भी है और इसी के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं।